बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप स्नो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। इस वक्त मैं कैनेडा में खड़ा हूँ और आज दोबारा से स्नो स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है। ये आप मेरे पीछे भी देखें। अभी हम जाने लगे हैं घूमने फिरने के लिए और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये हमारी गाड़ी है, इसमें बैठ के हम जाने लगे हैं। ये निशान साहब है, ये हमारे ट्रैवलर गाइड है। साजा साहब बोलो भाई जान, बोलो बोलो। जी इस वक्त हम पहुंच गए हैं जी डाउनटाउन यानी कि मॉन्ट्रियल के सिटी सेंटर में। ये देखें यहाँ पे क्यूबक सिटी का और कैनेडा का जो है वो झंडा लगा हुआ है। ये देखें ये मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन की बिल्डिंग्स हैं जी। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं डाउनटाउन में, ये इनकी मशहूर चर्च है यहाँ पे। ये साजिद साहब हमें बताएंगे इसके बारे में। अगर आप लोगों ने पिक्चर वगैरह लेनी है तो पार्क में आ जाओ, तो इसकी अच्छा व्यू आएगा आप लोगों का। ये चर्च के बारे में बताएं। इस चर्च के बारे में अंदर बाबा बैठा है, वही बता सकता है आपको। इसकी हिस्ट्री तो मालूम नहीं है, बट विजिट कर सकते हैं आप लोग। बड़ी दुनिया आती है दूर दूर से भाईजान। चलो अंदर चले, अंदर जाके पता चलेगा। चले जी दोस्तों, चलते हैं चर्च के अंदर, फिर देखते हैं जी क्या हिस्ट्री है इसकी, अगर हमें कहीं से मिले। चर्च के अंदर जाने की हमने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ काम चल रहा है अंदर। आज चर्च जो है वो बंद है और ये विजिटर के लिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे खुलती है, तो आज हम अंदर नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम कहीं और जाने लगे हैं, वहाँ का विजिट करेंगे और वो आपके साथ शेयर करते हैं। डाउनटाउन में यानी कि सिटी सेंटर मॉन्ट्रियल में उन्होंने जगह जगह पे मॉन्ट्रियल सिटी के जो है वो मैप वगैरह भी लगाए हुए हैं जी। ये देखें ये क्यूबिक सिटी है। क्यूबिक सिटी में दो लैंग्वेज चलती है, फ्रेंच और इंग्लिश, लेकिन हमने देखा है यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंच ही चलती है। हम जा रहे हैं शॉप के अंदर, यहाँ से कुछ जो है गिफ्ट वगैरह बाय करेंगे दोस्तों के लिए। जी दोस्तों इस वक्त हम पहुंच गए हैं ओल्ड पोर्ट। ये भी इनका सबसे मशहूर इलाका है, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से, सर्दी की वजह से बंद पड़ा है। जितना हो सकता है आपको दिखाता हूँ। ये ओल्ड पोर्ट के बिल्कुल करीब इनका मेडिकल साइंस सेंटर भी है, जहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म की स्टडी करते हैं और स्टूडेंट वगैरह को स्टडी भी करवाते हैं। भाईजान है जी, साजा साहब दसो सानू थोड़ा। भाईजान सब कुछ फ्रीज है, आप खुद देख सकते हैं। नहीं इसके बारे में थोड़ा बताए ना। ये ओल्ड पोर्ट है और इधर कोई बोर्ड नहीं है, सर्दी की वजह से ट्रिप पे लेके जाता। ये है जी ओल्ड पोर्ट, सर्दी की वजह से कोई मजा नहीं। ये है जी ओल्ड पोर्ट, बिल्कुल हाली पर है। कहते हैं जी गर्मियों में काफी मजा होता है इधर। कहते हैं जी ये भी टूरिस्ट प्लेस है। ये देखें बर्फ़ के कितने बड़े बड़े ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ मर्दी नज़र दिखाए आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। ये देखें जी पानी ब्लॉक्स की शक्ल में जम गया। तो अभी बंद है सारा कुछ, आप देख सकते हैं। ये तमरेज है और ये बर्फ है। और ये देखो मजे, बर्फ खाओ और देखो, यही है भाई, यही है मॉन्ट्रियल। और वो सिक्स फ्लैग नजर आ रहा है पीछे, वो येलो और ब्लू में। और
हेलो साजिद। अरे बाबू सर मॉन्ट्रियल आए ना, ओल्ड पोर्ट घूमने के बाद अब हम दोबारा जा रहे हैं डाउनटाउन यानी कि सिटी सेंटर मॉन्ट्रियल की तरफ। ये देखें जी डाउनटाउन में अभी भी क्रिसमस की लाइटें भी लगी हुई हैं, शायद इतनी ज़्यादा बर्फबारी इतनी ज़्यादा ठंड है कोई इनको उतारने के लिए भी नहीं आया। ये देखिए ये क्यूबेक स्टेट है जी, ये देखें जी इस गली में तीन फ्लैग लगे हुए, एक अमेरिका का और एक कनाडा का और एक क्यूबेक स्टेट। ये देखें जी मॉन्ट्रियल सिटी को डे का व्यू, अभी हम जा रहे हैं जी आइस स्केटिंग के लिए। यहाँ पे काफ़ी सुना है जी काफ़ी ज़्यादा विजिटर वहाँ पे होते हैं तो घर वाले हमें वहाँ पे ही लेके जा रहे हैं। ये रास्ते में देखें जी कैनेडा का झंडा और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं। बहुत मजा आया था ये भी करने का। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स किया करें। तो मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।